हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिप्टो फोकस। एक शॉर्ट वीडियो रहेगा करंट में जो सारी चीज़ें चल रही हैं, क्रिप्टो बैन और रेगुलेशन से रिलेटेड जितने भी गंद मची है मार्केट में उसके बारे में। सीन ये है कि इस बार का जो पार्लियामेंट का विंटर सेशन स्टार्ट होने वाला है 20 नवंबर में, जो कि जिसमें कि 26 बिल पेश किए जाएंगे, उसमें नंबर 10 पे आता है क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन बिल। यहाँ पर है कि नंबर 10 पे आपको देखने को मिला कि द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 टू क्रिएट ए फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क फॉर क्रिएशन ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी टू बी इश्यूड बाई आर बी आई। द बिल ऑल्सो सिक्स टू बी प्रोहिबिटेड ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पर एक कुछ शॉर्ट में इसका एक टाइटल टैग यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि इन्होंने जो है आर बी आई है वो अपना खुद का एक डिजिटल करेंसी लेके आएंगी और जितने भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको बैन कर दिया जाएगा। यहाँ पर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है कि कौन कौन सी करेंसीज है वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है। सेम का सेम यहाँ पर टाइटल पिछले विंटर सेशन में जो बिल आना था उसमें भी सेम की सेम चीजें यहाँ पर मेंशन थी। इस बार के जो बिल आने वाला है इसमें बहुत सारी चीजों में बदलाव हुआ, यहाँ बहुत सारी मीटिंग्स हुई, पीएम ने खुद इसके बारे में मीटिंग्स की। तो इस बार जो है पिछली बार की तरह चीज़ें नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया है। मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि जो है इंडिया इसको बैन नहीं करेगा, रेगुलेट करेगा। यहाँ पर न्यूज़ 18 का आप एक ट्वीट देखेंगे, न्यूज़ 18 एक ऐसा मीडिया है जहाँ पर जो कि अपने व्यूवर्स हैं उनको जो है सही न्यूज़ डिलीवर करता है, बाकी जो है अपने लगे हुए हैं क्लिक बेट करने में। यहाँ पर इन्होंने ट्वीट किया है कि टॉप गवर्नमेंट सोर्सेस ऑन क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन, देर इज़ नो बैन ऑन क्रिप्टो, ए रेगुलेशन मैकेनिज्म विल बी इन प्लेस सो दैट इज़ नॉट मिसयूज। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक क्रिप्टो है उसको बैन नहीं करेगी गवर्नमेंट, उसको रेगुलेट करेगी ताकि जो क्रिप्टो करेंसी है उसका कोई मिसयूज ना हो। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें होने वाली है इस बार के विंटर सेशन में जब यहाँ पर बिल पेश होगा। आपको सिर्फ वेट करना है, यहाँ पर कुछ भी जो चीज़ें क्लियर नहीं है, आपको यहाँ पर गंद मची हुई है यूट्यूब में जितनी हो सकती है, यहाँ पर आपको सिर्फ वेट करना है। 20 नवंबर को जो है यहाँ पर विंटर सेशन स्टार्ट होने वाला, जब क्रिप्टो करेंसी का जो बिल वहाँ पर पार्लियामेंट पे पेश होगा, वहाँ पर डिस्कशन होगा, फिर वहाँ से अगर पास हुआ तो सो सारी चीज़ें बिल यहाँ पर इसको बनना है, जो भी इसके ऊपर कानून बनना है वो सारी चीज़ें आगे होंगी। यहाँ पर सिर्फ एक टाइटल मेंशन है कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं इस बिल में, इससे ज़्यादा कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ। लोगों ने यहाँ पर गंद मचा दी है, पता नहीं आपको इंडियन जो है मीडिया है वो फेमस है गिद्ध पत्रकारिता लेके। यहाँ पर इन्होंने देखिए ये महाशय इन्होंने फाइनल भी कर दिया कि क्रिप्टो करेंसी जो है बैंड इन इंडिया। ये हमारे जो है जीपीएस चाचा है जिन्होंने जब नोटबंदी हुई थी यहाँ पर इन्होंने कहा था कि 2000 के नोट में जो जीपीएस चिप लगा है। तो ऐसे ऐसे महाशय है जो कि अब क्रिप्टो करेंसी पर ज्ञान दे रहे हैं बैन होगा ये होगा, तो आप सिर्फ इनकी कुछ भी नहीं सुने, सब जो है व्यूअर्स के लिए मतलब दौड़ लगा रहे हैं, सब व्यूज़ के लिए भूखे हैं। आपको पता ही होगा, इनको भी पता है कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा संख्या में जो है इन्वेस्टर है क्रिप्टो में, वो सारे इस तरह के जो है एग्रेसिव थंबनेल देख के उस पर क्लिक करेंगे ही करेंगे, उनका या टाइटल पढ़ के जो इनके इंडिकेटर जो है चालू होना ही है और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे व्यूज़ आएंगे। ठीक है, तो सिर्फ ये अपने अपने व्यूज़ कमाने का एक कह सकते हैं अर्निंग का या सोर्सेज हैं, कुछ भी नहीं है। लोग यहाँ पर सिर्फ जनता को चूतिया बना रहे हैं सिर्फ यहाँ पर, तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करना है आपको, वेट करना है जब ये पार्लियामेंट में बिल पेश होगा, तब तक आपको रिलैक्स होना है, जिस तरह से आप पहले ट्रेडिंग करते थे उस तरह ही कीजिए। यहाँ पर इन वर्स्ट केस अगर यहाँ पर बैन हो जाए, मान लीजिए बैन हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, जो एक ब्लॉकचेन की कह सकते हैं ब्यूटी है वो डिसेंट्रलाइज। यहाँ पर सेंटर कुछ भी नहीं कर सकता, डिसेंट्रलाइज जो चीज़ें हैं, डेक्स हैं, वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट हैं, उसका किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर कुछ भी कंट्रोल नहीं है, यही ब्यूटी है इस ब्लॉकचेन की कह सकते हैं आप। तो बहुत सारे पास हमारे ऑप्शंस होंगे, P2P हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास डेक्स ऑप्शन है, हमारे पास डिसेंट्रलाइज वॉलेट हैं वो ऑप्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर यहाँ पर बैन भी हुआ तो जो जितने भी इंडियन एक्सचेंजेस हैं उनको बैन करेंगे, जहाँ पर हमको टाइम देंगे यहाँ पर अपने कॉइन्स है उनको विड्रॉ करने का, सेल करने का। मुझे नहीं लगता इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इंडिया जो है सोच समझ कर ऐसा मुंह लेगा, क्योंकि इनको भी पता है इंडिया में पहले से ही जो है जॉब्स हैं उनका क्राइसिस है यहाँ पर, और मिडिल क्लास लोग हैं बहुत सारे, इन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करेगी, टैक्स के दायरे के अंदर लेके आएगी। और जिस तरह की स्कैम्स होते हैं, पिछले बार केरला में स्कैम हुआ बहुत बड़ा, जहां पर कि किसी हैकर ने जो है बैंक में से हैक करके करोड़ों का जो है बैंक को चूना लगा दिया, उसने जो सारे रुपए थे वो क्रिप्टो करेंसी में लगा दिए। तो उस तरह की चीज़ें किसी के साथ में ना हो, फ्रॉड ना हो, स्कैम ना हो,
इस तरह की चीज़ें को जो रेगुलेट करने के लिए, इस पर कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट जो है क्रिप्टो को रेगुलेट करेगी। हो सकता है कि मोटा मोटा ये हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है भारी भरकम जो इस पर टैक्स लगा दे, ठीक है। यही कुछ चीज़ें होने वाली हैं। इंडिया को, इंडियन गवर्नमेंट है उसको भी पता है इंडिया में कितना जॉब का क्राइसिस है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, तो ऐसा स्टेप जो है गवर्नमेंट नहीं लेगी, सोच समझ कर सब कुछ करेगी। बहुत सारी चीज़ें होने बाकी है, अभी बिल पेश होना है पार्लियामेंट में, तो आप सिर्फ वेट कीजिए। और जितने भी ये गिद्ध पत्रकार हैं, जितने भी हमारे सो कॉल्ड क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर हैं, उनसे आप बच के रहें। इन ये जो जितने भी महाशय हैं वो सारे व्यूज छापने में लगे हैं, कुछ भी नहीं है, इन्होंने रंडी रोना शुरू कर दिया यहाँ पर। तो सॉरी, गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर ये जो है सिर्फ व्यूज़ के लिए, यहाँ पर ये महाशय क्या क्या इन्होंने कितने एग्रेसिव जो है यहाँ पर थंबनेल आप देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इन्होंने जो पहले से डिसीजन ले लिया कि क्रिप्टो बैन इन इंडिया, इन सब चीज़ों को आपको इग्नोर करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ वेट करना है जब यह बिल पार्लियामेंट में जो है पेश हो, ठीक है। तो यही कुछ था, यहाँ पर लोगों ने यहाँ है गंद मचा रखी है इस बिल को, इस बिल के ऊपर। वेट करो आप, सिर्फ कुछ भी नहीं करना आपको, जब बिल पार्लियामेंट पे पेश होगा तो सारी चीज़ें जो क्लियर हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पे जो आपको इस तरह की न्यूज़ मिलती रहेंगी, जो भी कंफर्म न्यूज़ होगी, वेरीफाइड न्यूज़ होगी, इस चैनल पे हम जो है आपके लिए कंटिन्यूसली लाते रहेंगे। आईडीओ से रिलेटेड जितने भी हमारे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जो भी क्रिप्टो अच्छे प्रोजेक्ट हैं, उनका इस चैनल पर आपको रिव्यू मिलेगा। और हमारे एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जितनी भी क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहती हैं वहाँ पर हम पोस्ट करते रहते हैं। तो मेक श्योर जो है आप उस चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।